आज हार दूंगा सारे टाइम। ये हुआ है हादसा, ये सब निकल गया भाई का, देखो ये टूट गया, वो ये टूट गया, ये टूट गया, हाथ टूट गया, अंदर अगले कंधा टूट गया, सही था हैंडल इसकी भी। आपको दिख रहा होगा इधर, ये देखो सारे स्लीपिंग बैग से लेके सारे सब कुछ हमारे खोल दिए। इधर आप देखो, ये इधर लोग जो सोए थे बेचारे, ऐसे लोग सोए हुए थे, अब उनके सारे टेंट उखाड़ के, लेकिन यहाँ के लोकल गांव वाले और यहाँ के वो यहाँ आके लोगों के टेंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया। नुब्रा वैली मत आओ, ठीक है, यहाँ के लोगों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बदतमीजी है। और मैं सारे यूट्यूबर से एक बस मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग यहाँ आके प्रचार करते हैं नुब्रा वैली ना, तो झूठ बोलना बंद करो यार। हम नुब्रा वैली के बारे में सुन के आए थे कि नुब्रा वैली बहुत अच्छी जगह है, हुंडर बहुत अच्छी जगह है, बट मेरे आज जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इससे बुरी जगह हमारे हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। तरीके से लोग यहाँ पर मतलब बिहेव करते हैं, लोगों के साथ टेंट उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, ये करो वो करो, तो ना हम नुब्रा वैली अब जाएंगे, ना कभी आगे नुब्रा वैली को प्रमोट करेंगे। अरे यार इधर एक कार के साथ हो गई दिक्कत, ये कार फंस गई क्या अली? अरे चचा कहाँ चला दी, हैवी ड्राइवर हो गए तो। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, एक नए एपिसोड में और एक नए वीडियो में। यहाँ से हम लोग निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए, तो आज की रात हम लोग नुब्रा वैली जाएंगे और नुब्रा वैली में हम लोग आज कैंपिंग करेंगे। अभी यहाँ से हमारी राइड शुरू होगी नुब्रा वैली के लिए, तो नुब्रा से बीच में जितना भी कुछ आएगा वो सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए मैं आपके जाऊंगा। तो पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और देखो नुब्रा के रास्ते में हमको क्या मिला, बढ़िया सी एक नदी, ये ऊपर पहाड़ से ऊपर जहाँ आपको दिखाई दे रही बर्फ वहाँ से बहती हुई आ रही है, ये शायद नुब्रा वैली तक यही जाएगी। अरे सुनो, ये नदी कौन सी नदी है? इंडस, इंडस नदी, नुब्रा नदी यही है ना? तो भाई ये है नुब्रा नदी, जहाँ जाएगी वो इसके नाम से नुब्रा वैली कहलाएगी। क्यों, चलो फिर चलो। दुंगला के बाद आपका नॉर्थ पुल और उसके बाद हम पहुँचे आपका कहाँ, खारदुंग। तो ये जो आपको गाँव दिखाई दे रहा है ना, पूरा हरा भरा एकदम से, यह है खारदुंग गाँव, नुब्रा रोड में ये पड़ेगा आपका। देखो कितनी हरियाली है, ऊपर देखो आप रेतों के पहाड़, एक पेड़ तक नहीं है नीचे, देखो लेकिन कितनी हरियाली है। ये नदी के पानी को इस तरीके से मतलब इन्होंने इकट्ठा करके नहर की तरह यहाँ से लाए हैं, और उसके बाद पेड़ पौधे खेत पूरी हरियाली कर रखी है। तो यार एक सैल्यूट बनता है इन लोगों को हमारी तरफ से कि यार ऐसे माहौल में, ऐसे मतलब वातावरण में भी इन्होंने इतनी बढ़िया सी खेती करी और पूरा माहौल एकदम हरा भरा कर दिया है। देखो तो ये गाँव है आपका खारदुंग। चलो हम अभी खारदुंग गांव की तरफ से निकलते हैं बाहर को, क्योंकि तो हमें जाना है नुब्रा वैली और आज की कैंपिंग होगी नुब्रा वैली के अंदर। ये देखो भैया, ये अब एक नया ऑफ रोड मिल गया हमको यहाँ से, ये दुनिया जाएगी अपने रास्ते, हमारी पल्सर चलेगी अपने रास्ते, क्या करें। इसका पल्सर का ना ऑफ रोडिंग का सपना भी पूरा करना है, क्योंकि हिमालयन के आने के बाद या एक्स प्लस के आने के बाद तो सब कुछ ऑफ रोड होगा, लेकिन पल्सर का ऑफ रोड पूरी लाइफ याद रहेगा अपने को। ये देखो भाई, तो भाई ऐसा है ना, लद्दाख आओ तो ऑफ रोडिंग का अगर मज़ा ना लो तो बेकार है भाई, ऑफ रोड करना भी ज़रूरी है, चाहे बाइक कोई भी हो, ठीक है। नुब्रा इधर है, अच्छा ठीक है, चलो फिर नुब्रा के लिए भाई हमको दोबारा से वो रोड जा रहा है डायरेक्ट पेंगोंग, शायद कुछ राइडर मिल गए थे जिन्होंने बता दिया। तो यार यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और मैप भी काम नहीं कर रहा है, तो पूछ कर काम चलेगा। तो ठीक है अभी हम ऐसे नुब्रा रोड पे। नुब्रा रोड पे फिर से एक बार लग गया जाम। यार ये कौन सी वैली है, देखो सामने पड़ा चारों साइड क्या कहते हैं पूरे रेत के पहाड़ है, बीच में बड़ा हरा भरा है, ये कौन सा गांव है? यहाँ तो घर भी हैं बहुत सारे भाई। अरे यार इधर एक कार के साथ हो गई दिक्कत, ये कार फंस गई क्या अली? अरे चचा कहाँ चला दी, हैवी ड्राइवर हो गए तो, गाड़ी का टायर तो निकल गया फिर भी। देखो भैया चचा के चक्कर में लग गया बहुत तकड़ा वाला जाम। चलो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, कार निकालो, टायर घुमा के, रोड इतना पतला है, ऊपर से रेत लगातार गिरते रहती है जिसकी वजह से तकड़ा वाला जाम लग जाता है। देखो भाई, अरे 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 गाड़ी फिसल ली यार, गाड़ी फिसल ली है। बड़ा सा बोर्ड लगा है वेलकम टू नुब्रा एंड शोक वैली। तो भाई लोग यार हम लोग आ तो गए हैं एक जगह, लेकिन पता करने पड़ेगा यहाँ से नुब्रा वैली का कौन सा रोड है, क्योंकि अपने को ना डिटेल में पता नहीं है। दो रोड कटे थे,
तो एक सियाचिन का था, एक नुब्रा का था। भैया नुब्रा के लिए कौन सा रोड है? नुब्रा के लिए अच्छा ये रोड है। ये कौन सी जगह है? थालचार। अच्छा यहाँ से नुब्रा कितना किलोमीटर है अभी? और एक घंटा लगेगा। किलोमीटर में कितना होगा? 25 किलोमीटर होगा। हम लोग पहुँचने वाले हैं आपका नुब्रा, और ये रिवर जो आपके सामने बह रही है ना, ये तो ये है नुब्रा नदी पूरी। तो भैया ये हम आ गए बेस कैंप के आसपास। ये कौन जगह है? ये सुमुर। अरे कहाँ को जाए भैया? भैया नुब्रा के लिए कहाँ जाए? नुब्रा के लिए सर। तो भाई आपको अगर आप नुब्रा पहुँचोगे, नुब्रा से पहले आपको एक पेट्रोल पम्प मिल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप चाहो तो पहले भी कैरी करके रख सकते हो। मैं तो अपने साथ एक 5 लीटर का कैन लाया हूँ, बाकी अपना 18 लीटर का अपना टैंक है, अपना पल्सर का वो पूरा फुल फिल है। जो अपने साथ के राइडर हैं अगर किसी तेल की ज़रूरत है तो तेल भराने गए, वो पेट्रोल मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास पहले से स्पेयर में पेट्रोल पड़ा हुआ है। तो ये रोड गया नुब्रा के लिए सामने वाला। तो यार हम लोग नुब्रा वैली पहुँचने वाले हैं भैया। तो भाई रास्ता देख रहे हो आप रास्ता देख रहे हो, इतना खतरनाक रास्ता बनाया है भाई, पहाड़ काट काट के। एक साइड से नदी बह रही है और एक साइड से कटी हुई चट्टाने हैं। तो यार हमारी नुब्रा वैली में एंट्री हो गई है, और नुब्रा वैली में एंट्री करते ही एकदम से 3-4 घंटे का सफ़र हो गया है। उसके बाद जाके हरियाली देखने को मिली, और हम उस हरियाली के अंदर, और हम हैं आपका कहाँ? नुब्रा वैली। अब आज ये कैंपिंग हमारी नुब्रा वैली के अंदर है। तो भाई ये देखो सामने, ये है नुब्रा का पेट्रोल पम्प। आपको कैसा लगा पेट्रोल पम्प? ये देखो ये नुब्रा का पेट्रोल पम्प है भाई। अगर आपको नुब्रा में आपके पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ के तेल भराना है। तो भाई एक ज़माने से बहुत दूर कि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से, पेट्रोल पम्प भी एक जस्ट एक ऐसी ज़मीन पर खड़ा करके बना रखा। खारदुंगला से हम लोग पहुँच गए हुंडर, नुब्रा वैली हुंडर। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतनी खूबसूरत जगह आऊंगा। हम आज कैंपिंग के मूड से आए हैं, पूरा 3 दिन से होटल रख रहे हैं। तो यहाँ कौन रहेगा टेंट में? रहेंगे तो जहाँ पर हरियाली होगी, नदी किनारे रहेंगे ना। हाँ जी, बंदा था तुम्हारा दूसरा वाला, हाँ वो कहाँ कैंपिंग के लिए कह रहा था? वो कहता है तुम्हें जहाँ भी बढ़िया सी लोकेशन दिखेगी तुम वहाँ कहते कैंप कर लेना। पहले वो कैसे आएगा फिर हमारे पास? क्या करे, कैसे कॉन्टेक्ट करे लोगों से? ये देख तुर्तुक है ना, इंडिया का लास्ट विलेज। मेरे को ऐसा लग रहा था हम सीधा सीधा आते हैं, सीधा पाकिस्तान ही पहुँचेंगे। मैं कह रहा था ऐसे अभी पहाड़ी हो। हाँ पहाड़ी है, नैनीताल से। आप कहाँ से? पौड़ी का। पौड़ी आया हूँ यार मैं आपका, ये पौड़ी रछली बुआ खाल इधर। आज खारदुंगला से आते टाइम ये हुआ है हादसा, ये सब निकल गया भाई का। देखो ये टूट गया, वो ये टूट गया, ये टूट गया, हाथ टूट गया, अंदर अगले कंधा टूट गया। बिल्कुल सही था हैंडल, इसकी भी माचत की। ये बीप आ जाएगा इसमें। मैं इसे चला के लेके आ रहा था वहीं से, बहुत बढ़िया चल रही थी यार। खतरनाक गिरे यार ये लोग, तो बिल्कुल गजब गिरे हैं। अगर दोनों गिरे एक साथ बिल्कुल। तो ऐसा है, नुब्रा में आए थे, नुब्रा वैली में हुंडर के पास में कैंपिंग किया, टेंट लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन यहाँ के लोकल गांव वाले और यहाँ के वही यहाँ आके लोगों के टेंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया, और लोगों को बोला कि यहाँ से निकलो और होटल लो या कैंप लो, जो भी करना है करो, हम वरना गांव वालों को बुला के पंगा कर लेंगे। तो हमारा सारा सामान देखो अभी, ये सब हमारा खोल के रख दिया पूरा, आपको दिख रहा होगा इधर। ये देखो सारे स्लीपिंग बैग से लेके सारे सब कुछ हमारे खोल दिए। इधर आप देखो, ये इधर लोग जो सोए थे बेचारे, ऐसे लोग सोए हुए थे, अब उनके सारे टेंट उखाड़ के, उनके भी टेंट उखाड़ के, और यहाँ पर जितने भी टेंट लगे थे कम से कम 15-20 टेंट लगे थे, सबके टेंटों को फटाफट आके, मतलब जो भी गुंडागर्दी का हो या कुछ भी। तो मेरा तो यही मानना है कि यार नुब्रा वैली मत आओ, ठीक है। यहाँ के लोगों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बदतमीजी है। और मतलब जब पहले सबको टेंट लगाने दिया, रात को सबको बोला कि आप टेंट उखाड़ो, होटल लो या कैंप लो। तो यार मैं सारे यूट्यूबर से एक, बस मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग यहाँ आके प्रचार करते हैं नुब्रा वैली ना, तो झूठ बोलना बंद करो कि आप यहाँ पे कैंपिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो। यहाँ पे तो कैंप करने का रात को कैंप उखाड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं अभी जहाँ पहुँचूंगा उसके बाद बताऊँगा क्या है सीन अभी। तो भाई जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग आपका नुब्रा वैली में थे, कैंपिंग कर रहे थे, और कैंपिंग करने के बाद रात के 10 बजे या 10:30 बजे लोकल के कुछ लोग आए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। हमारे साथ ही क्या, जितने भी वहाँ के लोग थे, जिन्होंने भी कम से कम 15-20 वहाँ पर कैंप लगे थे, टेंट लगे थे, सबके टेंटों को उखाड़ा और बोला कि यहाँ से टेंट हटाओ। तो यार
फिर उसके बाद रात के 12 बज गए, अभी हमको होटल मिला है यहाँ पे ये। तो देखो अपने साथ तो क्या ट्रेजेडी होती रहती है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, हम होटल में रहें या टेंट में रहें कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन अपने इंडिया में रहने के बाद अपने को अगर हमें कहीं खुली लोकेशन में अगर टेंट लगाने में वहाँ के लोग बदतमीजी करते हैं तो ये शायद बहुत अच्छा नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार हम नुब्रा वैली के बारे में सुन के आए थे कि नुब्रा वैली बहुत अच्छी जगह है, हुंडर बहुत अच्छी जगह है, बट मेरे आज जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि इससे बुरी जगह हमारे हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। तरीके से लोग यहाँ पर मतलब बिहेव करते हैं लोगों के साथ, टेंट उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, ये करो वो करो, तो ना हम नुब्रा वैली अब जाएंगे ना कभी आगे नुब्रा वैली को प्रमोट करेंगे। तो अभी हमको रात के 12 बजे होटल लेना पड़ रहा है। इस तरीके से सारे लोग यहाँ पे एक रूम हमने इधर लिया, एक रूम हमने इधर लिया। तो भाई मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि यार हुंडर या नुब्रा वैली में जाने की अगर प्लान कर रहे हो ना तो बिल्कुल मत जाओ, जा रहे हो तो पहले से अपना रूम बुक कर जाओ, वरना वहाँ पे आपको रात को, हमने उसके बाद एक होटल भी बुक किया, हमने होटल बुक किया, हमने कहा हम अपना सामान लेके टेंट से आ रहे हैं, तो उस बंदे ने बोला ठीक है आप टेंट लेके आओ, अपना सामान लेके आओ, कोई नहीं आप हमारे वहाँ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जो भी रेट हमको बताए थे फाइनल कहते थे। जैसे हम उसके होटल में गए तो उसने अपना ताला लगा दिया, तो हमने कहा भाई आपने हमें बुलाया था, आपसे हमारी बात हुई थी बुकिंग की, तो इतने बदतमीज़ लोग हैं आपके इस नुब्रा वैली में और हुंडर में। तो मेरा तो यही कहना है उन सारे यूट्यूबर्स से जो बोलते हैं इसको बहुत अच्छी जगह बताते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ों की वजह से सब कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ का जो लोकल जो भी है वो होटल वाला लाइफ हो या कुछ भी हो सब एकदम से बदतमीज और बेहुदा किस्म के लोग हैं। तो हमें, मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि ना ही नुब्रा करना है, ना ही नुब्रा के लिए किसी को सजेस्ट करना है, क्योंकि जिस तरीके से रात के 12 बजे हमको वहाँ से भागना पड़ा और हमारे साथ साथ जितने भी लोग और कैंप वाले थे सबको कहीं ना कहीं भागना पड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने रूम लिए पता भी नहीं किसी का। तो भाई नुब्रा आ रहे हो तो प्लान कैंसिल कर लो, आप तुरतुक जाओ या उससे पेंगोंग कर लो, लद्दाख में नुब्रा मत आओ, बहुत ही आपके साथ बदतमीजी भी होती है, बदसलूकी भी होती है, क्योंकि यहाँ का लोगों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके ऊपर आप लाइक करो डिसलाइक करो मुझे नहीं पता, बट इतनी रात के 12 बजे अगर वीडियो बना रहा हूँ शूट कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। तो भाई वो सारे यूट्यूबर को मेरा एक क्वेश्चन है भाई, जो लोग नुब्रा को इतना बहुत अच्छी तरह से मतलब दिखाते हैं ना, तो भाई अंदर की सच्चाई बताया करो कि वहाँ के लोग कितने बदतमीज और बेहुदा और मतलब कैसे किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो अभी रात के 12 बजे देखो अभी अपनी मैगी दोबारा बन रही है, एक बार वहाँ बन रही थी टेंट लगा था, सब कुछ उन्होंने उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया, बोला गांव के लोग बुलाऊं क्या, गांव के लोग आएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी रात को 12 बजे हमको दोबारा खाना बनाना पड़ रहा है इस तरीके से। तो कोई नहीं, हम तो पूरा इंडिया घूमते हैं तो घूमते रहेंगे, ऐसी दिक्कतें आते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे यूट्यूबर को देख के क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम भी लद्दाख करेंगे, नुब्रा करेंगे, पेंगोंग करेंगे। तो मैं बोलता हूँ लद्दाख करो, थार दुंगला करो, आप पेंगोंग करो, आप नुब्रा वैली को अपने बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि यहाँ पर आके आपके साथ सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी। जैसा कि मैंने आज कम से कम 2-3 फैमिली के साथ भी देख लिया, उन्होंने फैमिली वालों के साथ ही बदतमीजी करी, तो मतलब लेडीज़ तीन के साथ बदतमीजी करने लगे, तो फिर आप सोच लो कि कैसे यहाँ के लोगों का व्यवहार है। ठीक है, तो बाकी चलो अभी अपना खाना बन रहा है, बाकी इतना नेगेटिव मुझे नहीं करना चाहिए कमेंट, बट क्या है जो सच है मैं वो बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो बीता वहाँ पे जितने कैंप जितने भी राइडर थे और जितने भी फैमिली के साथ लोग आए थे उनका जो बीता वो सब कुछ आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अभी अपना रात के 1 बजे अपना दोबारा से डिनर बन रहा है, हम लोग खाते हैं। हम तो मस्त मौला आदमी है, घुमक्कड़ आदमी है, कहीं ना कहीं हमने रहना था होटल में रहें या कैंप में, तो कल सुबह की राइड की हमारी दोबारा तैयारी हो जाएगी। तो अभी हमें नुब्रा को हमने रात को ही छोड़ दिया, तो अभी हम आ गए थे आपका किसी और लोकेशन में होटल लेके, इधर हम ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो चलो अभी अपना डिनर बनाते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, बाकी फिर कल का ब्लॉग तुरतुक का रहेगा, तो आप तुरतुक करो, डायरेक्ट तुरतुक करो, नुब्रा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। ठीक है, तो अपना तो यही सजेशन है यार, सच वाली बात बिल्कुल क्लियर कट, अच्छी बुरी बातें सारी भूल के फटाफट अपना डिनर करते हैं। जो हुआ सो हुआ, जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते, बट मुझे मेरा ये राइट बनता है कि आपको इन्फॉर्म करना कि ऐसा हो रहा था वहाँ पे इतना बुरे तरीके से, तो मुझे लगता है कि शायद वो मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो बाकी चलो जो भी है, ठीक है, डिनर अपना बन जाएगा, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे, कल एक नई राइड स्टार्ट करेंगे, क्यों भाई। डिनर हमारा हो गया बढ़िया तरीके से, और अभी हमें अपने होटल रूम पे, पहले हमने अपना टेंट लगाया था आपका नुब्रा वैली पे, तो नुब्रा वैली पे वहाँ पे जितने भी राइडर थे या जितने भी ट्रैवलर थे या जितने भी मतलब वहाँ लोग कैंपिंग कर रहे थे उन सबके साथ बदतमीजी हुई और सबके टेंट उखाड़ दिए गए, और उनको बोला कि टेंट उखाड़ो वरना अभी हम पूरे गांव वालों को बुलाएंगे,
पता नहीं उनका क्या मतलब उनका प्रोपेगेंडा क्या था कि वो लोकल के दुकानदार थे या होटल वाले थे कि वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसे कैंप करके रहे, वो चाहते थे कि हम उनके होटल में रहें या उनसे कैंप लेकर रहें। वो ऐसा कह रहे थे हमसे बार बार कि आप हमारे कैंप में रहो। तो इतनी बदतमीजी वहाँ पर हुई नुब्रा वैली में, तो मैं तो कभी नुब्रा वैली जाना पसंद करूँगा नहीं। तो अभी हम डिक्टिस नाम का एक यहाँ पर एरिया है, वहाँ पर हमने होटल लिया है। तो अभी कल सुबह हम निकलेंगे तुरतुक के लिए, तो हम नुब्रा को बीच में स्किप कर देंगे। और मैं आपको भी यही राय दूंगा कि नुब्रा नहीं जाएं तो बढ़िया है, क्योंकि वहाँ का वहाँ पर घूमने के लिए कुछ इतना कुछ भी नहीं है, बेमतलब का वहाँ पर सब कुछ है। खाली वैली वैली बोल के आप वहाँ पर जाओगे, बट वहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं, और वहाँ पर आपके साथ बदतमीजी होने की ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि वहाँ के लोगों का व्यवहार ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जितने वहाँ पर लोग हैं नुब्रा वैली के आसपास, वो सभी लोग आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परेशान करेंगे। ते हैं तो जाइए, मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप खारदुंगला करो, आप तुरतुक करो, आप पेंगोंग करो, आप कहीं भी जाओ, बट नुब्रा साइड में ये दिक्कत हर किसी के साथ आई है। आज मेरे साथ आई है, और बहुत सारे लोग थे जो सब लोग मतलब नाराज़ होकर वहाँ से निकल गए। तो वो सब लोग यही बोल रहे थे कि यार हम लोग तो कभी नुब्रा आएंगे नहीं, ना ही किसी को सजेस्ट करेंगे। तो मैं भी इसलिए बस अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सजेस्ट कर रहा था कि कुछ ऐसा कुछ खास वहाँ पर नहीं है, और आपके साथ वहाँ पर बदतमीजी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं अपने होटल में, अभी रेस्ट करते हैं, सुबह निकलते हैं तुरतुक के लिए। तुरतुक में जाके इंडिया का लास्ट विलेज देख के आएंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे पेंगोंग लेक के लिए। ठीक है, तो चलो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी दिक्कतें हुई आपको बता दी मैंने नुब्रा वैली में। तो फिलहाल अभी गुड नाइट करते हैं, और कल एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलते हैं। यह है लद्दाख एपिसोड आपका 2021। तो पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ठीक है, तो चलो इस बात को नेगेटिव रूप में मत लेना, आप जाओ ट्रैवल करो, नुब्रा वैली बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी राइड करें। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट।